मैं शेखर कपूर एक बार फिर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीजन 2 न्यूज टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। देशद्रोही देवेंदर, जी हां, सिर पर खाकी पगड़ी, कंधे पर चमकते सितारे, लेकिन मन में लालच और लोभ ने उसे देशद्रोही बना दिया। हिजबुल के दो खूंखार आतंकियों के साथ पकड़े गए देवेंदर सिंह पर अब जांच का शिकंजा कस रहा है और हर रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। और जो बातें अब सामने आ रही हैं वो मुल्क के साथ हुई गद्दारी की साफ गवाही दे रही हैं। तो आज फिर चलिए डीएसपी रहे देवेंदर के काले कारनामों को शुरू से जान लेते हैं और उसके अंदर की ब्लैक शिप को करीब से पहचानते हैं। एक चेहरा जिसे चंद दिनों पहले तक कोई पहचानता नहीं था, एक चेहरा जिसे चंद दिनों पहले तक कोई जानता नहीं था, एक चेहरा जिस पर रौब था, एक चेहरा जिसकी वर्दी का खौफ था, आज वो पूरे हिंदुस्तान की 125 करोड़ की आंखों में शूल की तरह चुभने लगा है, कांटों की तरह गड़ने लगा है, देशभक्ति के जज्बातों से उलझने लगा है। और मानो ये चेहरा पूरे हिंदुस्तान से कह रहा हो, तुमको दीमक की तरह खा जाऊं, आतंकियों का वो हथियार हूं मैं, लो खूब करीब से पहचान लो अब मुझे, गद्दार हूं मैं, गद्दार हूं मैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी के पद और कद दोनों को कलंकित कर चुके देवेंदर सिंह पर लगे आरोप ही ऐसे हैं जो गुनाह नहीं गद्दारी है, मादरे वतन से मक्कारी है। गाड़ी सर्च करने के बाद देखा उसमें दो वांटेड मिलिटेंट थे, उनके साथ हमारे पुलिस के एक डीएसपी पाए गए। देवेंदर की उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या हुआ, तो पहले तो मैं बता दूं कि उसका सस्पेंशन इस कार्रवाई जिसमें वो मुलव्वज़ था उसकी वजह से हो चुका है। आफ्टर दैट हिज सैकिंग इज आल्सो बीइंग रिकमेंडेड एंड गवर्नमेंट वुड टेक ए कॉल ऑन दैट। और इसके साथ साथ जो पहले मैंने कल बताया था कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHA, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी तरह का कोई गैलेंट्री या मेरिटोरियस मेडल नहीं मिला है, जहाँ की एस्टवाइल स्टेट की तरफ से एक मेडल उसको मिला था जो पुलवामा की पुलिस लाइन के अंदर जब फदाइन अटैक हुआ था उसमें उसके रोल के लिए, उसके काम के लिए। और हम उसकी भी सिफारिश करेंगे कि इस तरह की एक्टिविटी के चलते उस मेडल को बहरहाल वापस लिया जाए। इस मिट्टी से मकारी करने वाला आज बर्खास्त हो या कल, फर्क नहीं पड़ता, जांच तगड़ी होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, हर राज खुलने चाहिए। क्योंकि बताइए भला, देश को दहलाने का मंसूबा पाले दो दो मोस्ट वांटेड आतंकियों को अपनी गाड़ी में बिठाकर दहशत की कालीन के रास्ते आतंक की मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करने वाले को गद्दार नहीं तो और भला क्या कहेंगे। और अब तक हुई जांच ने जो गवाही दी है वो साफ साफ देश से हुई गद्दारी की ओर इशारा करती है। क्योंकि अब तक की जांच में देवेंदर सिंह के पाकिस्तान में मौजूद हिजबुल के बड़े आतंकियों के साथ संबंध होने की बात सामने आ रही है। सूत्र बताते हैं कि जांच में पता चला है कि आतंकियों को चंडीगढ़ पहुंचाने के एवज में देवेंदर सिंह को 12 लाख रुपए मिलने वाले थे। और 13 जनवरी को जब देवेंदर को आतंकियों के साथ पकड़ा गया तब भी उसकी गाड़ी में AK-47 और 5 ग्रेनेड भी मिले थे। और एक पुलिस अधिकारी के साथ इस तरह के सबूत मिलने के बाद गद्दार बनते देखा है। मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। और गद्दारी शायद इसलिए क्योंकि देवेंदर सिंह शायद भूल गए थे कि उन्होंने भी ऐसी शपथ ली थी, ऐसी ही कसम खाई थी। हाँ देवेंदर सिंह, तुम भूल गए थे, वो कसम भूल गए थे, वो शपथ भूल गए थे। अपने पद के कर्तव्यों का पालन, राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। ना तुमने कर्तव्यों का पालन किया, ना तुम्हारी भारतीय संविधान में कोई निष्ठा रही, आतंकियों से संबंध बना, तुमने अपने अंदर के देशभक्त को कपका मार दिया था। और तुम्हारी संपत्तियां, तुम्हारी ये कोठियां, तुम्हारी गाड़ियां बताती हैं कि ईमानदारी तो तुम में कभी थी ही नहीं।
ठीक मेरे पीछे श्रीनगर स्थित 15वीं कोर हेडक्वार्टर की वो दीवार है जिससे सटा हुआ है डीएसपी देवेंद्र सिंह का वो मकान जो वो नया बना रहा था। करोड़ों की लागत से बनने वाली ये कोठी इंदिरा नगर जैसे सुरक्षित इलाके में बनाई गई थी और ठीक 15वीं कोर हेडक्वार्टर की दीवार के साथ जिस तरीके से ये कोठी बनाई गई है आप देख सकते हैं कि आज के हालात में ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक भी बन सकता था, क्योंकि जो दीवार पीछे हैं जहाँ पे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, कैमरे से पैनी नज़र रखी जाती है पूरे इलाके की, उसके साथ देवेंद्र सिंह का ये बनने वाला मकान सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक बन सकता था ये इसके बाद का सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि करोड़ों की लागत से बनने वाला ये मकान यहाँ पे जो है किस तरीके से हासिल किया गया है इस पर ये भी जांच अब हो रही है, और ये भी माना जा रहा है कि लगातार इस मकान को बनाने के लिए सेना कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से परमिशन नहीं मिल रहा था और 3 बार इस मकान को गिराया भी गया था, लेकिन पिछले 6 महीनों के भीतर ही ये मकान यहाँ पे खड़ा किया गया, इसके लिए परमिशन भी आई और ये अंतिम चरणों में था, यानी अगले कुछ महीनों में तैयार होके यहाँ पे देवेंद्र सिंह रह भी सकता था। सेना और सिस्टम के ना चाहते हुए भी जिसने श्रीनगर के इंदिरा नगर में 15वीं चिनार कोर के मुख्यालय के ठीक बगल में इतनी बड़ी कोठी तान दी हो उसके रसूख का अंदाजा आप लगाते रहिए, और जरा सोचिए अगर ये मकान पूरी तरह बन जाता तो क्या होता। और सूत्र बताते हैं कि उसके घर में हुई छापेमारी में सेना की 15वीं कोर के मुख्यालय का नक्शा मिला है जिसमें मुख्यालय के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। इस समय खड़े हैं देवेंद्र सिंह के उस मकान में जहाँ पे वो आजकल रहा करते थे, और ठीक ये वही मकान है जहाँ पर देवेंद्र नवीद और उसके साथी को लेकर आया था, यही वो मकान है जहाँ पे छापेमारी भी हुई थी, और यही वो मकान है जहाँ से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया था और वो पैसे भी बरामद किए गए थे जो देवेंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि उसने नवीद और उसके साथी से लिए थे। ये मकान देवेंद्र का अपना नहीं है, यहाँ पे वो किराए के तौर पे रहता था, और उसका मकान जो है इस जगह से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर बन रहा था, और लेकिन इस मकान की खासियत ये है कि यही वो जगह है जहाँ पे देवेंद्र पिछले 1 साल से लगातार नवीद और उसके साथियों को लेके आता था, यानी एक सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक अब इसको माना जा रहा है, और सुरक्षा बल इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या केवल ये लेना ले जाना यहाँ तक ही था या देवेंद्र के साथ मिलके नवीद और उसके साथी रेके करते थे, क्योंकि जो खबरें अब सामने आ रही हैं उसके अनुसार देवेंद्र पिछले 1 साल से नवीद को कई बार जम्मू भी ले गया था और श्रीनगर शहर में भी उसके साथियों के साथ उनको ले जाता था। नहीं सर, ये पता था नहीं, कुछ भी पता था, क्योंकि मैं भी सुबह शाम ड्यूटी जाता हूँ और लंच करने इसी रोड से आता है, क्योंकि ये रोड तो है किसी का नहीं है, ये सरकार का रोड है, कोई भी चल सकता है इस रोड पे। तो साहब को देखता हूँ मैं आते जाते, जब मैं ड्यूटी जाता 8 बजे 8:30 बजे निकलता अपनी ड्यूटी पे फौज में, तो इधर ही साथ में हमारा फौज 31 सवेरा साहब है, तो उन्हीं के अंडर हम आते हैं साहब, तो हमको ये पता नहीं आज तक लगा आज तक। पड़ोसियों तक को देवेंद्र के पाप की भनक नहीं थी, लेकिन अब जब देशद्रोही देवेंद्र की कारस्तानियों का पता चला है तो जितनी बार ये चेहरा आंखों के सामने आता है मन व्याकुल हो उठता है, जहन में क्रोध की ज्वाला फूटने लगती है, क्योंकि फिर ये लगता है कि जिस मुल्क ने इस व्यक्ति को मान दिया, सम्मान दिया, कांधे पर 3-3 सितारे टांग दिए, उस देश को इस व्यक्ति ने क्या दिया, गद्दारी ही ना। ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर, ब्लैक शीप्स कैन बी फाउंड एनीवेयर। तो हम लोग 19 में हमारा 2 SPO वेपन लेके भाग गए थे, टेररिस्ट रैंक ज्वाइन कर गए थे, 24 घंटे के अंदर हमने उन दोनों को 2 टेररिस्ट के साथ मार दिया था। तो वंस समबॉडी इज डिसलॉयल टू यू, डिसलॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, उस पर जो भी कार्रवाई उस वक्त जज बनती वो की जाती है। साल 19 के अंदर 2 आर्मी के जवान आर्मी को छोड़ के भाग गए थे वेपन लेके, हमने उनका भी लिहाज नहीं किया, दोनों के दोनों एक ऑपरेशन के अंदर मारे गए थे। तो आर्मी के 2 जवान, पुलिस के 2 SPO, अभी जो पुलिस अफसर रैंक कोई हो, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, हमें किसी का कोई लिहाज नहीं है। जो आदमी अनलॉफुल एक्टिविटी करता है और इस तरह की हरकत करता है, किसी तरह की रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई उसमें की जाएगी। जिसने खाकी का मान न रखा, जिसने देश का अभिमान न रखा, उसे बख्शने का तो सवाल भी नहीं उठता, बल्कि सवाल तो उसी से पूछना चाहिए
कि भारत की ही मिट्टी के लाल थे तुम, ताकतवर और बलवान थे तुम। कहते हैं कल तुम में भी थी खुददारी, फिर क्यों तुमने माँ भारती से की गद्दारी? तो जवाब मिलेगा, देवेंद्र ने पैसे की लालच में सब किया, क्योंकि देवेंद्र सिंह पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। 1990 में जम्मू कश्मीर पुलिस ज्वाइन करने वाले 57 बरस के देवेंद्र पर अफीम तक बेचने के आरोप लगे हैं। गैर कानूनी काम में शामिल होने से लेकर करप्शन और हथियारों की लूट तक में सम्मिलितता होने की बात सामने आई है। बेकसूर लोगों को पकड़ना और फिर पैसे लेकर रिहा करना इसकी ड्यूटी सी बन गई थी। लेकिन अब इसे देवेंद्र की किस्मत ही कहेंगे कि इतनी लापरवाही और इतनी मक्कारी के बाद भी जब आतंकियों से निपटने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन हुआ तो समय से पहले प्रमोशन देकर उस ग्रुप में देवेंद्र को शामिल कर दिया गया। और हद तो तब हो गई जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी उसकी पोस्टिंग कर दी गई। एक हफ्ते पहले की तस्वीर ही देख लीजिए, जब विदेशी राजनयिकों का डेलीगेट श्रीनगर गया था तो देवेंद्र सिंह बतौर DSP उनकी अगवानी कर रहा था। इस सब की थोड़ी बहुत छवि आई थी उस टाइप की। तो हम जब मेरा टेन्योर था, मैं 5 साल DGP रहा, तो उस टेन्योर में हमने इंश्योर किया कि वो इन चार में से कहीं ना रहे, क्योंकि उसके खिलाफ साबित नहीं हुआ था वो चीज़ें, तो इसलिए फोर्स से नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अब जो ये आया है, फिर एक बार दोहराऊंगा कि ये सिस्टम का जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से ये पकड़ा गया। अगर सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता तो ये नहीं पकड़ा जाता, ये अपना कार्रवाई चालू रखता। अब देखने वाली बात है कि इंट्रोडक्शन बाद कि इसमें क्या क्या निकलता है और क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, उनको आगे बढ़ाना है, इसके क्या क्या लिंक्स है और कहाँ कहाँ और कब से काम कर रहा है ये इस टाइप का, और उसमें जो निकलेगा और उस पर जब कार्रवाई होगी तब बात सामने आएगी इसके बारे में क्या क्या था और क्या क्या साबित होता है इसके केस। और उसकी कारगुजारियों को नहीं पकड़ा जा सका पहले, इसी का तो नतीजा है कि DSP ने अपना काला साम्राज्य खड़ा कर लिया था। अब एजेंसियां जांच करेंगी तो खुलासा होगा, लेकिन जो खुलासा 8 दिन पहले बीते शनिवार को हुआ उसने वर्दी को तो दागदार बना ही दिया। देखिए, ये हम लोगों ने पहले ही सिफारिश कर दी है कि ये केस NIA को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी वाइडर लेवल की कुछ चीज़ें निकल सकती हैं जिनका कनेक्शन जो है वो आगे पीछे भी और कहीं जगह पे निकले। तो हमारी ये सिफारिश हो चुकी है कि ये केस NIA को ट्रांसफर। NIA की जांच में खुलासे होंगे तो तार बहुत दूर तक जाएंगे और गद्दारी की कहानी बढ़ती जाएगी। और जाहिर है इस गद्दारी की कहानी को देखकर आपके मन में गुस्सा होगा, आपका मन भी व्यथित होगा कि कोई पुलिस अधिकारी ऐसे कैसे कर सकता है। और जब आपके मन में गुस्सा है तो सोचिए जिस सीनियर अफसर ने इसे रंगे हाथों आतंकियों के साथ पकड़ा था वो कितने गुस्से में रहे होंगे। क्योंकि ABP न्यूज को मालूम चला है कि उस दिन DSP को गिरफ्तार करने वाले DIG अतुल गोयल ने गद्दार देवेंद्र सिंह को न सिर्फ एक थप्पड़ मारा बल्कि जब उसने गुमराह करने की कोशिश की तो बेल्ट से उसकी पिटाई तक कर दी। और वो पिटाई बेहद जरूरी थी